फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो यार, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Amazon और Flipkart के रिटर्न पॉलिसी को कि किस साइट पे आपको यहाँ पर बेटर रिटर्न पॉलिसी देखने को मिल जाता है। तो यार, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर उसे जल्दी से कर लेना और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यार, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी को लेकर कि कैसे यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का रिटर्न पॉलिसी वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, कुछ नए यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मान लो कि आपने कोई फ्लिपकार्ट से नया फोन परचेज किया और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर अपने फोन में देखने को मिल रही है और आप चाहते हो कि आप उसे फ्लिपकार्ट पर रिप्लेस कर दो, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको पहले फ्लिपकार्ट की तरफ से एक टेक्नीशियन विजिट करके एक कॉल आता है और वो आपसे पूछता है कि आपके फोन में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और अगर उसे लगता है कि हाँ आपका प्रॉब्लम यहाँ सचमुच में जेन्युइन है तो ही आपको ये फोन को पर रिप्लेस करेगा, वरना आपको यहां पर सर्विस सेंटर का यहां पर चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो यार, ये था कुछ यहां पर फ्लिपकार्ट के रिटर्न पॉलिसी को लेकर। तो यार, आप यहां पर बात करते हैं अमेज़न के रिटर्न पॉलिसी को लेकर कि आपको अमेज़न पे ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिलता है या नहीं। तो यार, ये देख सकते हो, ये मेरा Redmi Note 9 Pro जो कि मैंने 9th जून को ऑर्डर किया था amazon.in से और ये आज मेरे पास डिलीवर हो चुका है 464 वेरिएंट ब्लैक कलर। तो यार, ऑब्वियसली ये फोन मेरा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे अनबॉक्स वगैरह नहीं किया, आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाया। ये मैंने एक फ्रेंड के लिए यहाँ पर ऑर्डर किया था और उसे मैं यहाँ पर जाके दे दूंगा। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि मुझे इस फोन में यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, कोई भी यहाँ पर बैग वगैरह, मतलब जो इसका पैकेज वगैरह था, कोई भी टेम्पर्ड वगैरह नहीं था, कोई भी खराब वगैरह नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न वहाँ पर ऑप्शन जो वहाँ पर क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अमेज़न पर आपको यहाँ पर कैसा रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये देख सकते हो, ये मेरा कुछ ऑर्डर समरी Redmi Note 9 Pro 464 वेरिएंट, और उसके नीचे आप देख सकते हो रिटर्न पॉलिसी। फिर इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली आपसे पूछेगा कि आपके फोन में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और अगर कोई भी ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सेप्ट वो वाला ऑप्शन रॉन्ग आइटम, उससे छोड़कर आप कोई भी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक ही चीज यहाँ पर दिखाएगा, इंस्टॉल ऐप। तो ये ऐप आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे अपने फोन में, और आपको ध्यान रखना ये जो ऐप आप अपने वाले ही फोन में इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि आपने जो फोन मंगाया है वही वाले फोन में, कोई और फोन में आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो यार, आप जैसे उसे वहां पर इंस्टॉल करोगे, वहां पर अपने फोन को ऑब्वियसली यहां पर डायग्नोस करेगा और आपको यहां पर बताएगा कि आपके फोन में यहां पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और उसके जैसे नीचे आओगे, आपको यह ऑप्शन दिख जाएगा टेक्नीशियन विजिट। ऑब्वियसली वो जो फ्लिपकार्ट पर ऑप्शन था वो आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है, और वही चीज होगा, वो टेक्नीशियन आपको कॉल वगैरह करेगा और आपको पूछेगा कि आपके फोन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो यार, मतलब ये जो पॉलिसी है वो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट की जैसी ही हो गई है, बिल्कुल सेम टू सेम पॉलिसी, बस इसमें एक जो ऐप है उसका डिफरेंस है, वो आपको वहां पर देखने को नहीं मिल जाता है, इसमें आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं रिफंड का। तो ये मतलब रिफंड का यहाँ पर कोई नामोनिशानी नहीं है, मतलब रिफंड आपको यहाँ पर देखने को ही नहीं मिल जाता है, मतलब आपने फोन परचेस कर लिया, मतलब जो भी हुआ, मतलब आपका प्रॉब्लम रिफंड वगैरह का कोई भी मतलब यहाँ पर सिम शॉट है ही नहीं। तो यार, अब बात करते हैं वो रॉन्ग आइटम का। तो मान लो आपने कोई फोन परचेस किया और मतलब आपने उसे अनबॉक्स वगैरह किया और आपके फोन से कुछ मतलब कुछ और निकल गया आपके डब्बे से, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप डायरेक्टली अमेज़न को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको कॉल कर लेंगे और आपसे मतलब पूछे वगैरह कि आपको यहाँ पर कौन सा मतलब प्रॉब्लम वगैरह है, क्या आपके फोन में हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यार, मैं आपको एक चीज यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ। मान लो आपने कोई यहाँ पर फोन परचेस किया, तो आप एक चीज यहाँ पर कर लेना, जब भी अपने फोन को अनबॉक्स करो आप उसका एक वीडियो बना लो। इससे होता क्या है, आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ मैंने इसे अनबॉक्स किया था और मेरे फोन से यहाँ पर कुछ और चीज निकल गया था। तो यार, ये एक सिक्योरिटी रीजन है जो कि मैं हर कंज्यूमर को यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि वो इस स्टेप को यहाँ पर जरूर से यहाँ पर फॉलो करें। तो यार, ये रिटर्न पॉलिसी आपने यहाँ पर देख लिया दोनों ही मतलब साइट्स की कि कैसा आपको यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी देखने को मिल जाता है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आया। दोनों ही मतलब सेम हो चुके हैं, टेक्नीशियन विजिट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो यार, मतलब काफी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होने वाले हैं यहाँ पर फोन वगैरह को रिप्लेस करने का, जो यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं ऑब्वियसली अमेज़न और फ्लिपकार्ट को बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज इसे यहाँ पर चेंज कर दो, बहुत सारे कंज्यूमर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। उस वीडियो में आप जाके कमेंट वगैरह देखोगे फ्लिपकार्ट वाले हुए, तो यार बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हाँ यार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यार प्लीज़ इस चीज़ पे यार थोड़ा सा ध्यान दो यार, मतलब सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।